हाट 24 सच से सामना में आप सभी का स्वागत है और बहु आपके साथ सुषमा ठाकुर। मधेपुरा जिला के कुमारखंड थाना क्षेत्र के बेलारी ओपे स्थित रानीपट्टी सुखासन पंचायत के वार्ड नंबर 14 में अचानक आग लगने से चार परिवार का 8 आवासीय घर जलकर खाक हो गया। आगजनी में बर्तन, कपड़ा, फर्नीचर का सामान, मवेशी, बाइक, साइकिल, 2,20,000 नगद समेत लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बताया जाता है कि अचानक आग लगने से उपेंद्र यादव के 2 आवासीय घर, 11 बकरी, 1 मवेशी, अनाज, कपड़ा, फर्नीचर का सामान और जेवरात सहित 40,000 रुपए नगद जलकर पूरी तरह खाक हो गए। जबकि मनोज कुमार का 1 आवासीय घर, घर में रखे 2 बाइक, बर्तन, कपड़ा, अनाज, सोने चांदी की जेवरात और 1,00,000 रुपया नगद समेत घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं लल्टू यादव की 3 आवासीय घर, बाइक, 2 साइकिल, 9 बकरी समेत 3 मवेशी का बछड़ा झुलस गया। घर में रखे 50,000 रुपये नगद कपड़ा, फर्नीचर का सामान, अनाज, ट्रक समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। उधर नारायण यादव का 10 बकरी, पटवन का मशीन, 1 साइकिल, 30,000 नगद रुपए, 1 गाय झुलस जाने से उन्हें काफी क्षति हुई है। वहीं मनोज यादव पूरी तरह झुलस गए, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, तब तक 4 परिवारों का पूरी तरह से आवासीय घर समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, तब तक 4 परिवारों की पूरी तरह से आवासीय घर समेत लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक चंद्रहास चौपाल, क्षेत्रीय जिला पार्षद बेबी यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दिया। डीएम और सीओ से बात कर अविलंब सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि मुहैया कराने की मांग की। मौके पर जिला परिषद सदस्य बेबी यादव उर्फ राजकिशोर यादव, मुखिया अनिल ऋषिदेव, समिति प्रतिनिधि राजन कुमार यादव, उप मुखिया प्रतिनिधि सुबंधु दास, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मनोज झा, समिति प्रतिनिधि रोशन कुमार समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों व सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी रही। प्लास्टिक दिए हैं और पूरा सबका नुकसान कितना का हुआ है? करोड़ों से ऊपर के है। मेरा नाम हुआ बेबी यादव, जिला परिषद। हमको पता रात में चला फोन द्वारा। अच्छा, फिर कितना टाइम में आप पहुँचे घटनास्थल पे? हम सवेरे आए हैं, तो तब तक मैं फोन से बात हुई, आग पर काबू ग्रामीण लोग किया। उसके बाद आए तो यहाँ तो करोड़ों का लागत संपत्ति ध्वस्त हो गया, जल के राख हो गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि उचित मुआवजा अविलंब शीघ्र इस पीड़ित व्यक्ति को दिया जाए। इस चूरा या शक्कर एक मुट्ठी से नहीं होने वाला है कुछ। चावल की पट्टा गिरावे, दाल की पट्टा गिरावे, जितना करवा तेल है, जितना गेहूं गेहूं है और मसाला है और बर्तन, हम वो ही मांग किए तो सीआई साहब या 5 पॉकेट वो चूरा या शक्कर आ 5 गो है वो पन्नी, उससे क्या होने वाला है। ऐसे ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। नमस्कार, मेरा नाम सोहन प्रसाद है। मैं खुद एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, लेडीज का हेयर कटिंग करता हूँ, कलर एवरीथिंग हेयर से रिलेटेड। मैं पटना में हूँ, पटना में भी है। और झंझारपुर वासियों के लिए खुशी का एक है मौका कि जो लोग पहले दरभंगा पटना जाते थे हेयर से रिलेटिव या मेकअप से रिलेटिव, काफी एक्सपेंसिव पड़ता था, उनके लिए एक अच्छा मौका है। मैं काफी बड़ा सेटअप लेकर आया हूँ। मेरा स्टाफ सब बाहर का है, पंजाब का है, दिल्ली का है। अब प्रोफेशनल काम हम लोग करते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, प्लस हम लोग जो है होम सर्विस भी करते हैं, मेहंदी से लेके मेकअप से लेके एवरीथिंग। मेकअप में हम लोगों के पास एयरब्रश मेकअप है, HD मेकअप है, काफ़ी अच्छा है। और हेयर से रिलेटिव हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉरियल है, सर्च कफ है, लोकल प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सब ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, जो कि नॉर्मल जगह पर रेट रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार सर्विस का मौका दें, डेफिनेटली आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेरे सलून का नाम है द लुक सलून एंड स्पा, नियर सोनी टॉकीज, झंझारपुर, RS।